दोस्तों, क्या आप भी अपने GTA 5 में न्यू मिशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोड लाया हूँ जिसको आप अपने GTA 5 में इंस्टॉल करके 100 प्लस मिशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यकीन करो, ये मिशन बहुत ही मजेदार है। मैंने तो अपने GTA 5 में तकरीबन 30-40 मिशन से कम्प्लीट कर लिए, बहुत मजा आ रहा है। अगर आप भी अपने GTA 5 में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आज मैं आपको फुल A to Z ट्यूटोरियल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप किया तो आप मिशन को अपने GTA 5 में इंस्टॉल तो कर लोगे लेकिन इन्हें प्ले नहीं कर पाओगे, तो आगे आपकी मर्जी। बाकी अगर अपने GTA 5 में ये मिशन इंस्टॉल करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट लिंक को ओपन करना। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना तो अपना ये मोड डाउनलोड हो जाएगा। ये बेसिकली एक टूरी मोड था जिसकी मदद से हम अपने GTA 5 मिशन ऐड करने वाले हैं। तो इसके बाद हमने ऐसा करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सेकंड लिंक को ओपन करना है। यहाँ पर भी सिंपली आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये मोड भी अपना डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से थर्ड लिंक को ओपन करना है एंड यहाँ पर भी आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको रिलीज नेम वाला ज़िप फाइल देखेगा। सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो ये अपना मोड भी डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने तीनों मोड्स डाउनलोड कर लिए। अभी बार ये अपने GTA 5 में इनको इंस्टॉल करने की, तो जल्दी से डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ऐसा करना है कि इन तीनों मोड्स को हमने विनरार सॉफ्टवेयर की मदद से इंस्टॉल कर लेना है। विनरार का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ओके, तो हमने अपने तीनों मोड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तब GTA 5 के आइकन पर राइट क्लिक करके सिंपली ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे, जैसे अपनी GTA की मेन डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। नाउ हमने ऐसा करना है कि GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसका नेम स्क्रिप्ट्स रख लेना है। मेरे पास पहले से स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना हुआ है, तो मैं न्यू फोल्डर क्रिएट नहीं कर रहा। आपके पास अगर स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है तो अच्छी बात है, वरना न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसका नेम स्क्रिप्ट्स रख लेना। वेल, तो दोस्तों इसके बाद अपने ऐसा करना है कि मिशन मेकर वाला बोर्ड ओपन करके यहाँ से इन तीनों फाइल्स को सिंपली ड्रैग करके स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में ड्रॉप कर लेने हैं। ओके, तो अभी आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर आपने एलेबल मिशन पैक वाले फोल्डर में चले जाना है। नाउ यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में चले जाएंगे, उसके बाद मिशन मेकर में, इसके बाद मिशंस में चले जाएंगे। एंड अभी हमें ऐसा करना है कि GTA 5 के मेन डायरेक्टरी के स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में सिंपली मिशन मेकर में चले जाना है, उसके बाद फिर से मिशंस में चले जाना है। एंड देर इन सभी फाइल्स को Ctrl+A प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। बस अपनी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट नहीं हुई है, इसको कट करके रिलीज नेम वाला फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ पर सिंपली हमने बैक आ जाना है, उसके बाद फिर से बैक आ जाएंगे। नाउ यहाँ पर हम रिलीज नेम वाले फोल्डर से इन दो फाइल्स को सिंपली सिलेक्ट करके अपने GTA के स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में ड्रॉइंग एंड ड्रॉप कर लेंगे। बस अपनी अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो जल्दी से हम अपनी गेम को ओपन कर लेते हैं। वेल, तो दोस्तों गेम ओपन करने के बाद सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि कीबोर्ड में सिंपली F10 बटन प्रेस करेंगे, जिससे अपना मिशन मेकर वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर सिंपली हम प्ले मिशंस में चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो अपनी 121 मिशंस आ चुकी हैं, तो यहाँ पर आप जो भी मिशन चाहो उस पर सिंपली इंटर करके प्ले कर सकते हो। अभी मैं आपको ये जिमी स्टोलर कार वाले मिशन प्ले करके दिखाता हूँ। सिंपली इस पर हम जैसे इंटर करेंगे तो अपना ये मिशन प्ले हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी लोडिंग होगी, उसके बाद देखोगे तो अपना मिशन प्ले हो जाएगा। यहाँ पर अभी भी अपनी लोडिंग हो रही है, तो अभी आपने देखा अपना माइकल आ रहा है, ये मिशन स्टार्ट हो चुकी है। अमेंडा भी दिख रही है, यहाँ साइड में मैसेजेस भी आ रही है। अपने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के वीडियोज में ये मिशन जरूर देखी होगी, वो भी इसे मिशन मेकर मोड को इंस्टॉल करके अपने GTA 5 में ये न्यू मिशन चलाते हैं। तो अभी हमें ऐसा करना है कि फ्रैंकलिन के पास जाना है, तो इट मीन्स कि अपना मिशन वर्क कर रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अपने GTA 5 के ग्राफिक्स को मेरी तरह इन्हेंस करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ।
बाकी अगर आप अपने GTA पे में सेलिब्रिटीज को इंस्टॉल करना चाहते हो तो राइट साइड वाला प्लेलिस्ट ओपन करके किसी भी वीडियो में आ जाओ, नहीं मिलेंगे।